हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित सिंह और स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फोकस सिविल वर्क। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेयर केस के ऊपर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमने अब इस चैनल पर स्टेयर केस के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। जैसे कि स्टेयर केस की क्या हमें ब्रेथ होनी चाहिए, कब हमें स्टेयर केस को कास्ट करना चाहिए, स्लैब से पहले या बाद में, कितनी चौड़ाई रखनी है, सारी जानकारी, और लैंडिंग की कितनी हाइट रखनी चाहिए, मतलब स्टेयर केस के बारे में काफ़ी कुछ हमने इस चैनल पर बता रखा है। तो वो जितने भी वीडियो हैं उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो मैंने और किसी वीडियो में बताया नहीं है, और ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अगर आपको ये नहीं पता है तो थोड़ा आप अधूरे हैं नॉलेज से स्टेयर केस के बारे में। तो वो जो बात है, हम बात करेंगे स्टेयर केस के बेस स्लैब के ऊपर कि बेस स्लैब की थिकनेस हमें कितनी रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बेस स्लैब क्या होता है। बेस स्लैब हमारा होता है जब हम अपना स्टेयर केस बनाते हैं, स्टेयर केस की स्टेप या पैरी बनाने से पहले जो स्लैब बनाते हैं इंक्लाइंड सरफेस पे, यानी कि जो तिरछा हम कंक्रीट डालते हैं ना, तो उस चीज़ को बेस स्लैब बोलते हैं। उसके ऊपर ही हम अपनी पैरी बनाते हैं। ठीक है, तो उसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए, कम से कम कितनी रखनी चाहिए, या अगर हम बढ़ाएंगे तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है, वो सब इसके ऊपर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये जो वीडियो है बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग अपना घर तो बना रहे हैं पर उनके पास ड्राइंग नहीं है। अब ड्राइंग नहीं है तो यानी कि बात यहाँ आती है कि आप सारी सब टोटली डिपेंड नहीं हो सकते अपने ठेकेदार पे या मिस्त्री पे। आपको भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप जो भी हो रहा है उसको आप चेकलिस्ट कर पाएँ कि ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। मैं सब ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत करते हैं, कुछ ठेकेदार या कुछ मिस्त्री होते हैं ऐसे जिनको उनको भी थोड़ा कम नॉलेज होती है। तो वहाँ आप अपने इस नॉलेज को यूज़ करके या अप्लाई करके बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आते हैं हम बेस स्लैब की थिकनेस के ऊपर। तो कम से कम कितनी रखें हम बेस स्लैब की थिकनेस, वो इस टॉपिक हमारे इस वीडियो में होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो बेस स्लैब की थिकनेस रहती है वो डिपेंड रहती है कि हमारे जो फ्लाइट है, फ्लाइट यानी कि क्या होती है, हमारा एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग के बीच में जो हमारा स्पेन होता है, या जो हमारी फ्लाइट की हाइट होती है या स्पेन लेंथ होती है, समझ रहे ना मेरी बात को, कि हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ स्टेयर केस और दूसरे हमारी पहली लैंडिंग आई उसके बीच में जो इंक्लाइंट या स्पेन हमारा है उसको हम कहते हैं स्पेन। तो उसके ऊपर डिपेंड रहती है कि कितनी हमें थिकनेस रखनी है, और वो सब आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है एज अ डिज़ाइन के तौर पर। तो वो सब चीज़ें अलग होती हैं कि कितना लोड आ रहा है किस हिसाब से, वो तो हम ये हो गया कि हमें एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है इतनी हमें रखनी है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमारे पास ड्राइंग नहीं है तो हमें क्या करना है, तो मैं आपको बताऊं। देखिए, आपको इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कम से कम 4 इंची तो रखनी है। 4 इंची से कम आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। कहीं अगर आपका मिस्त्री या ठेकेदार बोलता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे 4 इंची रखनी है, या अगर आप ठेकेदार या मिस्त्री हैं तो भी आप 4 इंची रखें, क्योंकि 4 इंची से कम आप ना रखें। कहीं कहीं आपने देखा भी होगा 3 इंची, लेकिन आपको 4 इंची रखना है। ये एक कह सकते हैं थंब रूल हो गया, लेकिन ये एक एज ए एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम 4 इंची रखनी है, और उसके बाद हमें अपना स्टेयर का जो पैरी है वो बना देनी है। तो इस वीडियो में देखिए, मैं आपको बस यही बताने वाला था कि हमें स्टेयर केस की थिकनेस की बेस स्लैब की थिकनेस कितनी रखनी है, और अगर हमें बढ़ानी होती है तो वो डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मेरे ख्याल से आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैंने जो वीडियो की लिंक जो भी मैंने बताई है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके जरूर देखें ताकि आप सारी नॉलेज से रूबरू हो जाएंगे स्टेयरकेस के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।